अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के साथ 8th क्लास हिस्ट्री प्लस जियोग्राफी के लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, सब्जेक्टिव कंप्लीट डिस्कस करूंगी एंड जो ऑब्जेक्टिव होगा वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। हमारा जो सब्जेक्टिव होता है वो 35 प्लस मार्क्स का होता है, 15 प्लस मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, मैं आप लोगों को यहाँ पर सब्जेक्टिव बताऊँगी 35 प्लस मार्क्स का। तो हम लोग सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए काबिल तजदीद तवानाई के ज़रिए को इस्तेमाल में लाना कैसे मुफीद साबित हो सकता है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को इंग्लिश मीडियम में भी प्रोवाइड किए हुए हैं, उर्दू मीडियम में भी प्रोवाइड किए हुए हैं, साथ उनके आंसर्स भी बताए हुए हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आप लोग इनको या तो लिख लें या तो इनका स्क्रीन शॉट ले लें। ये हमारा इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन था। देन सेकेंड, साहली इलाकों की आबो हवा लोगों के रहन सहन को कैसे मुतासर करती है, और नीचे उसका आंसर प्रोवाइड किया हुआ है। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आंसर लिख सकते हैं, मींस कि आप लोग अपने गाइड से जहां से आप लोगों ने याद किए हुए हैं आप लोग वहां से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप लोगों ने यहां से ही करने हैं, लेकिन आप लोगों का आंसर जो है वो करेक्ट हो। देन हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, उसको इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड किया हुआ है जो पिछला क्वेश्चन था। देन नेक्स्ट, जंग आज़ादी 1857 के अहम असबाब क्या थे। नीचे पॉइंट्स के साथ आंसर बताया हुआ है, आप लोगों ने सेम ऐसे ही पॉइंट्स के साथ इसको बयान करना है, क्योंकि उन्होंने असबाब पूछे हैं तो असबाब जो होते हैं वो पॉइंट्स के साथ लिखते हैं। देन इसको इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड किया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्लिन एयरलिफ्ट को बयान करें। इसके अंदर जो ये तारीखें बताई हुई हैं आप लोगों ने ये भी लिखनी है, इनको आप लोगों ने ब्लू मार्कर से लिखना है। देन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए स्टूडेंट्स, ये आल टू आल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इन सबको प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये आल वर्जन्स के लिए हैं। आप लोगों के पेपर्स में, किसी के भी पेपर में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप लोगों ने इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और आप लोगों ने सारे करने हैं ये क्वेश्चन। देन ये वाला क्वेश्चन है, शदीद मौसम की कोई सी दो मिसालें वजूहत के साथ बयान करें, नीचे उसका आंसर बताया हुआ है। जो स्टूडेंट्स आप लोगों को लंबे लग रहे हैं तो उनका ये मकसद नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोवाइड किए हुए हैं, ये नंबर्स के हिसाब से यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं, और अगर आप लोग अपनी मर्जी से इनको कम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस गैसेज किस तरह से आबो हवा को तब्दील करती हैं, तो ये उसका इंग्लिश मीडियम है। देन कतबी इलाकों के बरशंदों की सरगर्मियाँ अस्तवाई इलाके के बरशंदों से क्यों कर मुख्तलिफ हैं, ये उसका इंग्लिश मीडियम है। देन नेक्स्ट, कराची के आबो हवा को मुतासर करने वाले हारी गर्द बात पर मुख्तसर नोट लिखें, देन उसका इंग्लिश मीडियम। फिर है, दूसरी जंग अजीम के असबाब बयान करें, असबाब जो होते हैं वो पॉइंट्स के साथ आप लोगों ने लिखने होते हैं। देन नेक्स्ट इसका इंग्लिश मीडियम है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है और इसके नतज क्या हैं, इसका इंग्लिश मीडियम। देन अगला क्वेश्चन है, जंग प्लासी, अब नोट वाले ये क्वेश्चंस होते हैं कि जिन पर नोट करना होता है, वो छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोगों के पास ऐसे बना के पूछते हैं, जैसे कि समुद्री हयात पिछला क्वेश्चन हो गया, और इसके अलावा आगे जो आएगा मौसमियाती तब्दीली, इन पर आप लोगों ने नोट लिखना होता है। देन नेक्स्ट है मदोजज़र, इस पर भी नोट लिखना होता है, इंग्लिश में भी प्रोवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट, नादूतुल उल्मा की अहमियत। देन नेक्स्ट है, कराची और न्यूयॉर्क के मौसम सरमा के दर्जा हरारत का मुवाजना, देन उसका इंग्लिश मीडियम। देन नेक्स्ट, दरियाओं की इंसानों के लिए अहमियत, देन उसका इंग्लिश मीडियम। देन अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की आमद से पहले की गैर मुतजारती सरगर्मियाँ, देन उसका इंग्लिश मीडियम। देन नेक्स्ट है, बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के क़याम के मकासद और इब्तदाई तजारती सरगर्मियाँ, देन उसका इंग्लिश मीडियम। देन अगला क्वेश्चन है, जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों की मकामी बाशिंदों से इंतकामी ज़हनियत, देन उसका इंग्लिश मीडियम। देन नेक्स्ट है, जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों के समाजी और मुआशी हालात, उसका इंग्लिश मीडियम। सो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फॉर इंग्लिश एंड उर्दू मीडियम के लिए वो शेयर कर दिए हैं, यानी 35 प्लस मार्क्स का मैंने पेपर आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है।